काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है तो आपको ही बता दिया जाए। भाई लाइंस आ रही हैं, स्क्रैचेस आ रहे हैं, डिस्क अब घिस रही है। बाइक ले रहे हो ना तो इट्स नॉट ईजी टू मेनटेन बाइक्स, कार्स, कुछ भी होता है। और भाई साहब इतनी भीड़ कैसे लग रही है, बस यही कमी है बस एमटी में, और कोई कमी नहीं है। ये भाई ये क्या हो रहा है, ब्रेक क्यों लग रहा है? तो भैया गाड़ी के ब्रेक पैड हो गए चेंज और इसका खर्चा हमको आया है। तो कैसे हो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एक और व्लॉग में। और ये वाला हमारा बहुत फ्रीक्वेंट व्लॉग होने वाला है क्योंकि यार मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाइक का काम करवाने, और मैंने सोचा कि यार चलो बाइक का काम करवाने जा रहे हैं, एक छोटा सा और काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है तो आपको ही बता दिया जाए। तो चलो चलते हैं, जय बजरंग बली। तो यस चलो चलते हैं अब, और मैं निकल पड़ा हूँ घर से जल्दी जल्दी से। तो अब काम बता दूँ मैं आपको, तो काम क्या है, तो काम ये है कि हम चेंज करवाने जा रहे हैं हमारे बाइक के ब्रेक पैड्स, जो कि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ब्रेक पैड में जब डिस्क है ना, अब डिस्क में मुझे समझ आने लग गया है कि यार हाँ भाई लाइंस आ रही हैं, स्क्रैचेस आ रहे हैं, डिस्क अब घिस रही है। तो भाई इससे पहले कि वो डिस्क पूरी घिसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई जल्दी से ब्रेक पैड चेंज करवा लेते हैं वरना बैंड बच जाएगी। तो बैंड हम बजवाना नहीं चाहेंगे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट से काम, फिर और क्या भाई। बाइक का काम करवाना बहुत ज़रूरी है भाई, देखो सही बता रहा हूँ, अगर आप एक बाइक ले रहे हो ना तो इट्स नॉट ईजी टू मेनटेन बाइक्स, कार्स, कुछ भी होता है, उसमें बहुत तरह के खर्चे होते हैं नए। तो ये थोड़ा सोच समझ के लेना बाइक में, अगर आप बाइक या फिर कार कुछ भी लेते हो तो अगर आप इतने केपेबल हो कि आप हाँ मैनेज कर सको वो खर्चे, क्योंकि देखो सर्विस होगी उसके बाद थोड़े टाइम में आपके ब्रेक पैड खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर वापस से सर्विस का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ छोटा मोटा खर्चा आ जाएगा। तो समझ लो मतलब खर्चे खत्म होने नहीं है कभी भी इस बाइक्स के, मेरे को तो बस टाइम का इशू रहता है, मेन चीज़ टाइम का इशू रहता है, कब करवाऊँ। तो मैं ढील में जो है थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ टाइम को, बाकी जो है मैं इतना मैनेज कर पा रहा हूँ इसीलिए मैंने ये बाइक ली। बाकी यार वीडियो बहुत टाइम से नहीं आ रही यार, 10-15 दिन हो गए, 15 दिन का गैप हो गया, सॉरी क्योंकि यार देखो दिवाली का टाइम था और फिर कहीं ज़्यादा जाना पीना हो नहीं पाया हमारा, एक आध राइड हुई थी पर उसमें क्या हुआ यार, वो समझ रहे हो वो फील नहीं आया, वो कंटेंट मेरे को पसंद नहीं आया, जो भी वीडियो थी वो मेरे को पसंद नहीं आई शुरू अवेयरनेस, तो मैंने इसलिए ना वाली वीडियो को मतलब नहीं डाला। मैं सोचता हूँ कि यार देखो अगर डाल रहा है वीडियो तो अच्छे से डालूंगा, अच्छी वाली डालूंगा, अच्छी इन्फॉर्मेटिव या फिर अच्छा फन होगा तो डालूंगा, वरना फालतू में ना ज़बरदस्ती नहीं डालूंगा, इससे क्या होगा कि एक वीडियो भी जो है इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। भाई साहब मित्सुबिशी की बाइक का कार भाई जा रही है भयंकर वाली, और भाई साहब इतनी भीड़ कैसे लग रही है, जे का हो रहा है। अच्छा हमारे पास तो सब कुछ है ना मेरी जान, सब कुछ मिलेगा ना मेरी जान। भाई फुल कैमरा भाई चल रही है भयंकर वाली, बाइक वालों को थोड़ी ना रोक रहे हैं भाई, ये तो कार वालों को देख रहे हैं, कार और ऑटो वालों को रोक रहा है मीन, तो यार हमको तो रोको यार, थोड़ा कंटेंट वंटेंट दो भाई। यार राइड की बात करें चलो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो हमारी बहुत सारी आती जाएंगी, पर यस अब राइड की थोड़ी बात कर लेते हैं कि यार राइड वाली वीडियो कब आएगी हमारी, जहाँ हम थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिप करेंगे, ट्रिप वाली वीडियो। तो यार देखो ट्रिप वाली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है क्योंकि मैं ब्रेक पैड इसीलिए चेंज करवा रहा हूँ मेनली, कि यार तो कोई भी लंबा जाना है ना तो फिर ट्रिप में यार वो करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी जो है ट्रिप के लिए जो है मैं फटाक से जो है चेंज करवा लेता हूँ ब्रेक पैड, क्योंकि ब्रेक पैड अगर गए और लंबी ट्रिप पे चला गया ना बिना ब्रेक पैड के तो भाई साहब डिस्क के तो एयर लग जाने हैं, पक्की बात है। तो यस वडोदरा एक ट्रिप मारने वाले हैं, और वडोदरा ट्रिप मतलब समझ रहे हो आप 600 किलोमीटर बाइक राइड, आइए 600 किलोमीटर बाइक राइड बोले तो समझ रहे हो आप गाइस क्या होता है। भगाना नहीं है, ये बहुत तेज भागती है यार, जरा से अगर उसको छुल्ला खुल्ला छोड़ दो ना यार तो हमारी जो एमटी है, हमारा जो ड्रीम है वो इतना तेज भागता है ना कि भाई पीछे नहीं छोड़ता किसी का, इसलिए इसको थोड़ा क्या लगाम लगा के रखनी पड़ती है इस बाइक में भाई, बस यही कमी है बस एमटी में, और कोई कमी नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना है, ज़्यादा अगर बोरिंग लगे तो
क्योंकि यार देखो मेरा दोनों मकसद होता है, मेन चीज़ मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो वैल्यू एटलीस्ट मिले। हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर, जो कि है यामाहा का शोरूम, जहाँ पर हम हमारी गाड़ी का काम करवाएंगे। यहाँ से हमने गाड़ी ली थी एक्चुअली, और यहीं पर जो है हम हमारा काम करवा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि यार काम करवाना इम्पोर्टेंट है। देखो जो है काम देखते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि कितना क्या खर्चा आता है। अब सीधे मिलता हूँ आपको सीधे बिल के बाद। भाई देखो बिल्कुल चेन जो है हमारा ब्रेक पैड है बिल्कुल घिस चुके हैं, देखो यहाँ तक घिस चुके हैं, देखो जरा से दिख रहे हैं वो, उसकी वजह से ये जो उसने स्क्रैचेस आ जाते हैं ये आ रहे हैं, तो ये नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से डिस्प्ले थोड़ी ख़राब हो जाती है। और इस पर देखोगे इसमें देखो अभी ब्रेक पैड कितने सारे बचे हैं, देखो ये इसमें बहुत ज़्यादा बचे हैं, देखो कितना सा हो गया पतला सा इसकी एक। अरे हाय तो भैया गाड़ी के ब्रेक पैड हो गए चेंज, और इसका ख़र्चा हमको आया है 995 रुपीज़ देख लो, और 995 और लेबर चार्ज कुछ उन्होंने लगाया नहीं है, तो ये हमारे 995 रुपये इसका मतलब 1000 रुपये लगे। तो चलो एक काम हमारा अच्छा खासा हो गया, और फाइनली जो है ब्रेक पैड चेंज हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे यार। ब्रेक पैड चेंज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ये बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्क विस्क की बैंड बच जाती है। थोड़े कम लग रहा है यार, थोड़े ब्रेक जो है ना ये बाइट कम लग रही है मेरे को, ऐसा फील हो रहा है, पर वो बोल रहा है कि थोड़ी देर में हो जाएंगे वो 5-10 किलोमीटर, जब वो अच्छे ज़रा से जो फ्री होंगे इसके बाद जो है वो अच्छे से हो जाएंगे, तो ठीक है देखते हैं। वैसे अभी तो कम लग रहा है, अभी तो बहुत कम लग रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, बट आई गेस देखते हैं हो जाएंगे, जहाँ तक नहीं हुए तो मैं वापस से ले जाऊँगा भाई के पास कि भाई ये क्या हो रहा है, ब्रेक क्यों लग रहा है। तो यस अब यही था यार देखो वीडियो में के लिए यही था कि यार देखो इतना चार्जेस जो है आपको देना पड़ेगा अगर आपको एक ब्रेक पैड चेंज करवाने हैं MT15 में, क्योंकि यार देखो MT15 में यार महंगे होते हैं, सही बताऊँ ना तो महंगे होते हैं, सीधी सीधी बात है भाई, इतना खर्चा तो आपको बेयर करना पड़ेगा।